मरियम, मुझे ये बताओ मीडिया में आना कैसे हुआ और किस तरह से एंट्री मारी? अपनी कहानी अपनी जबानी सुना दो। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मॉडलिंग का शौक था। अच्छा। कि मामा की फ्रेंड का एक सैलून था, उसने वहाँ पे शूट किया। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बचपन में एक था दिमाग में, बट फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट थी, आ नहीं सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब उसका शूट देखा तो मेरे अंदर से एक जज्बात से निकले, मुझे भी यार ये करना है, मुझे काम करना है, मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। तो हुआ ये कि उसने मुझे गाइड किया और उसने मुझे ये कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो, लाइक आई वाज 14-15 साल की थी मैं, वेरी और मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कुछ करना है। तो फिर मैंने चुप करके एक मॉर्निंग शो किया जिसमें एहसन खान थे मेरे साथ और मुझे उसमें एक्ट करना था कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, लाइक इस तरह। और आई वॉज लाइक बहुत कंफ्यूज थी उस टाइम और मुझे बस ये था कि बस करना है, अगर नहीं किया तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और अभी मैट्रिक किया था, फर्स्ट ईयर में गई थी, कॉलेज के बहाने पहुंच गई मॉर्निंग शो पे। मुझे पता नहीं था कि मेरा बैड लक ऐसा है, हमेशा मैं पकड़ी जाती हूँ, झूठ बोल के पकड़ी जाती हूँ। अम्मा उसी दिन मॉर्निंग शो लाइव देख रही हैं। तो मैं ड्रेस घर से पहन के गई थी, मैंने ऐसे बोला था कि कोई कॉलेज में इवेंट हो रहा है, हाँ इवेंट है और मुझे इस तरह ये ड्रेस पहन के जाना है। मैं एक्टिंग करके घर आ गई, कोई 11-12 बजे सुबह फ्री होगी, आफ्टरनून में घर पहुंची और मम्मा कहती कहाँ थी? मैंने कहा बता के तो गई थी कि स्कूल में इवेंट था। तो उन्होंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ था, मैडम को आके दिखाएंगे उसने क्या किया। अच्छा, उन्होंने मुझे दिखाया और वो कहती ये क्या है? मैंने बोला ये कुछ नहीं, और मैं ऐसे इतनी डर गई कि मेरे पापा को पता ना चल जाए, बस मुझे ये डर था। अम्मा तो फिर भी थोड़ी सी मान जाती थी, साथ दे देती थी, लेकिन मेरा बाप बहुत सख्त था, मतलब बहुत डर लगता था मुझे। तो बस फिर इसी तरह मैंने उनको मना लिया, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी एक चांस। फिर एक कमर्शियल था, वो भी चुप करके निकल गई। मम्मा को थोड़ा सा शक था मेरा पीछा किया, कहाँ जा रही है, और वो एक सेट बना होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, आपको पता है कमर्शियल में 100-200 लोग होते हैं। तो मैं जनाब जो घर से कपड़े पहन के गई थी वहाँ जाके, मैं ईस्टर्न में गई थी बड़ी एक वो इस तरह, और वहाँ जाके मैंने वेस्टर्न कपड़े पहन लिए। मामा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट किया, 3 घंटे बाद पहुँच गई वहाँ पे और एंटर हो रही, और मैं आई वॉज लाइक अब मैं क्या करूँगी। तो उस वक्त मामा आई तो मैंने किसी के कपड़े पहने हुए थे, उठो यहाँ से, खड़ी हो, जाके कपड़े चेंज करो। और फिर इसी तरह सिलसिला शुरू होता रहा चुप चुप करते करते। तो कन्विंस कैसे किया, वो कौन सी स्टेज आई जब अम्मा अब्बा को बताया कि भाई मैंने मूवी एक मुझे मिली थी, नूर बुखारी की मूवी थी जो मैंने की थी, मुझे एक मॉर्निंग शो से, मैंने काफी सारे शोज किए उनके साथ, ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस तो था शुरू से। तो मूवी मिली थी मुझे, जब मैंने मूवी की तो मूवी की शूटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी जाना था 1 मंथ के लिए। बाबा को मैंने तब तक नहीं बताया था कि मैं एक्टिंग करती हूँ, उनको लोगों ने बताया। तो फिर बाबा कहते यार अब जो करना था कर लिया, बेहतर है। अब मैं जब भी जाती हूँ मेरे भाई साथ होता है, अम्मा साथ होती हैं, कभी मतलब इस तरह लेके चल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सीन है। अब मुझे सपोर्ट करते हैं, लाइक अगर मैं कोई एक्टिंग में कोई चीज़ ठीक नहीं करती, मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं होती या मैं कोई डायलॉग अच्छा नहीं बोलती, तो मुझे बताते हैं ये नहीं ऐसे नहीं, ये अच्छा नहीं था, ये वाला सीन है। मरियम, हमने सुना है कि मॉडल्स में आपस में बहुत ज़्यादा जेलिसी होती है, एक्ट्रेसेस में जेलिसी होती है, क्या कभी कोई इस तरह का नेगेटिव एक्सपीरियंस किया, क्या सेट पे फील हुआ हो कि, क्योंकि जब आप नए नए फील्ड में आते हैं महसूस करती हो इस तरह की जेलिसी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं करूँगी, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बहुत सारे लोग, इवन मैं ये नहीं कहती कि गर्ल्स आपस में लड़कियाँ जेलस होती हैं, समटाइम ऐसा होता है कि लड़के भी, कोई एक्टर आपके मतलब आपका को एक्टर हो, वो भी समटाइम ऐसा बात कर देते, आप सोच में पड़ जाते यार इसका मेरा क्या, इसकी जेलसी बनती नहीं, जेलसी बनती, लेकिन होते हैं। मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं ना जी, वो लड़की थी, मैं एक बहुत अच्छा लीड पे मतलब ड्रामा कर रही थी, ना मैं नाम लूंगी ना मैं उसको डिस्कस करूंगी, तो वो लड़की मेरे साथ ऐसे मतलब मुकाबला करती थी जैसे कॉलेज में स्पोर्ट्स में नहीं मतलब दौड़ लग रही होती, मैंने जीतना है मैंने, तो वो एक इतनी इरिटेटिंग थी वो लड़की। और मैं सोचती थी मतलब इस दुनिया में ना कहीं पे भी कोई भी किस्म के लोग मिल सकते हैं, बिल्कुल, वो चाहे किसी एक्टर की सूरत में हो, दोस्त की सूरत में हो, रिलेटिव हो, व्हाटएवर कोई भी हो ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मेरी ही ना साथी लड़कियां मैं से थी, जेलस होती थी मेरे पे, जादू टोना करवाती। चौहान साहब, पीटीआई इतने जलसे कर रही है, आप किसी भी जलसे में उस तरह से नजर नहीं आ रहे, बड़े इवेंट्स में नजर नहीं आ रहे, क्या कोई? नहीं नहीं, मैं असल में एक तो यह है कि पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर, इन तीन जगहों के ऊपर जो भी कोई पार्टी का इवेंट होता है उसमें मेरी एक ऑब्वियसली
जनाब एक जिम्मेदारी बनती है। दूसरा मैं मीडिया और अपना हल्का, मीडिया के हवाले से अल्लाह पाक का करम है, इस वक्त जो मैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हस्ब साबिक, हाँ जी, जितना मैं एक्टिव और अल्लाह पाक के करम से इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, और फिर अपने हल्के के अंदर मैंने बड़े बड़े जलसे किए हैं अपने हल्के में जाना पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर जी। और खान साहब की जो इतनी स्ट्रेटजी है तो उसमें ज्यादा बिजी चाहे कंटेनर से भी आओ, क्योंकि जिड्डा तुम बोल्ड बोलते हो और जिड्डी गल थी चुभती है दूजिया पार्टियां ने तो उत्ते होना चाहिए। नहीं, हर रोज किसी ना किसी चैनल से अपनी गल कर रहे होंगे टका के करते रहे, यहोजा नाम लेंगे ने लगता है फिल्मों का नाम ही रखा। नहीं अब जी मुझे ये बताओ कि जिंदगी में कितनी बार प्यार हुआ, क्या बेवफा हो या बेवफाओं की सताई हुई हो? अच्छा मुझे बहुत शौक है कि मुझे प्यार हो। है शौक है प्यार हो? हाँ मतलब तक प्यार ही नहीं हुआ? नहीं मरियम, ये तो ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, इतनी खूबसूरत हो माशाल्लाह लोग इर्द गिर्द होते हैं। वही मैं आपसे बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको प्यार है और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद कोई सच हो कोई झूठ हो, लेकिन वो जो एक होता है ना प्यार जिसके साथ आपने शादी करनी हो, और मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं जिसके साथ शादी करूँ उसी से मुझे प्यार हो, इश्क हो, व्हाटएवर कुछ भी हो उसी से मुझे। डिफिकल्ट है वैसे शायद। हां मैडम, वैसे प्यार तो हुआ इस काले की फैमिली, इसके मम्मी पापा को प्यार हुआ जब ये पैदा हुआ, इसकी अम्मी जी लेके गई, कहती देखो ये प्यार की निशानी है, एडा बगैना प्यार दी नहीं, ये क़यामत दी निशानी है। जब हमारे शाही साहब पैदा हुए इतना प्यार आया इनके बाप को इनकी माँ पे, खुशी में तलाक दी। मेरी नज़र में कॉन्सेप्ट ये प्यार का कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अगर कोई आपसे प्यार करता है डे फर्स्ट से तो उसका आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए, मतलब कि कोई एंगेजमेंट हो जाए और आपको पता हो ये आपका फियांसे और शादी करनी है इन फ्यूचर, मतलब ये वाला प्यार मेरी समझ में आता है। वैसे वो जो व्हाट्सएप वाला प्यार आपकी समझ में नहीं आता? व्हाट्सएप सोशल मीडिया वाला प्यार बिल्कुल, वो तो मैं बिल्कुल बिलीव करती नहीं हूँ। मैं बाय फेस किसी से मिलूं या कोई अगर मुझे कहे, बहुत सारे आपको पता है लड़की को तो वैसे ही एग्जैक्टली लोग कह देते हैं कि प्यार है। साडे बाबे नु इश्क होया, इन्होंने अपने खून ना कुड़ी नु खत लिखा, उन्हें को जवाब देता बी पॉजिटिव। अच्छा मरियम, किस तरह का लड़का चाहिए प्यार करने के लिए, कैसा दिखना चाहिए, उसकी वो फीचर्स बताओ, पर्सनालिटी? चेक वाला कोट पहना हो उसने और खूबसूरत हो, मैच्योर हो। मैच्योर तो मुझे नहीं पता कि किस सूरत में कैसे होता है वो, तो आई डोंट नो, लेकिन उसकी हाइट हो थोड़ी अच्छी लगे, मतलब कि मेरे से ऊंची हाइट हो, 6'2" हो, 6'1" हो, नेचर होनी चाहिए और सिंसेरिटी होनी चाहिए। जैसे आजकल का मैं देखती हूँ अपने फ्रेंड्स को सर्कल में, तो बड़ा एक अजीब सीन है कि लड़के की लड़की, बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे सीन्स होते हैं, लड़के की हाइट होनी चाहिए, आपने शादी करनी है तो जाले रोने होना चाहिए, 6 होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। बुढ़े बारे यह कुड़ी वेखो ना तो काले वर्ग दत्तां घुट के कहने थे भैणा की करिए जो नसीबा का सिला। अच्छा मरियम, अपने फैंस वगैरह से कहाँ पे इंटरेक्ट करती हो, सोशल मीडिया पे कौन सी एप्लीकेशन पे ज़्यादा एक्टिव हो, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहाँ? सब पे हूँ मैं, फेसबुक पे हूँ, उस पर माशाल्लाह मेरे बहुत ज़्यादा फैंस हैं। अच्छा। इंस्टा पे भी हूँ, टिकटॉक पे भी हूँ। वैसे ये जब कोविड का सीन हुआ था लास्ट ईयर की बात है, जब सब कुछ ओपन हुआ, उससे पहले मैंने अपना सारे सोशल ऐप्स बिल्कुल हाइड कर दिए थे, प्राइवेट कर दिया था। क्यों? ऐसे ही, मतलब मैंने सोचा कि यार काम नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से फिर घर वाले बोलते थे कि यार चलो जितना तुमने एक साल किया मैंने काम, तो कहते बस ठीक है अपनी, आप लोग आपने जो करना था कर लिया, अभी सबको बस बंद कर दो, बंद कर दो, तो मैंने बंद कर दिया। फिर अभी एक साल जैसे ही ओपन हुआ मैंने भी सब कुछ खोल दिया। जब बैक टू काम, तुम्हारी बैक टू नॉर्मल लाइफ आई, तुमने काम करना शुरू किया, सोशल मीडिया ऐप्स फिर से ओपन हो गए। ओपन हो गए।